जो है पास्ट टेंसेस में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है। पास्ट इंडेफिनिट है क्या? दिस टेंस शोज द रूटीन वर्क कंप्लीटेड इन पास्ट। जो माजी में आपका रूटीन वर्क अब नहीं जारी, माजी में जारी था लेकिन था रूटीन वर्क, वो पास्ट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट की जो रूटीन हैं, हमने पढ़ा था प्रेजेंट डेफिनेट, वी टेक लेक्चर एट 7:30 PM डेली, ठीक है जी। इंडिया में टाइम और है जी, डिफरेंट है हमसे, हाफ आवर का डिफरेंस है उनका। तो ये टेंस जो है बेसिकली जो पास्ट में रूटीन एक्शन थे जो हुआ करते थे लेकिन अब नहीं होते, कभी हुआ करते थे, उनके लिए हम यूज करते हैं। वो स्कूल जाया करता था और अक्सर भी हमें के लिए यूज टू कभी यूज कर लेते क्योंकि वो रूटीन थी। He used to come late daily. He came late daily भी गलत नहीं है। He used to come late daily. थोड़ा सा मीनिंग का फर्क है। He came late daily. वो रोजाना ताखीर से आया और he used to से ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि वो रोजाना ताखीर से आता था। और अगर रूटीन या हैबिट पास की मिल जाए तो used to का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है बजाय कि आप सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कोई भी काम जो माजी में हुआ, this tense is used to, मैं इस टेंस को यहां आगे लिखूंगा कि this tense is used to, show actions of past, के माजी के जितने भी काम थे उनके लिए भी हम past indefinite को ही यूज करते हैं जी। सारे काम जो माजी में हुए, पाकिस्तान जो था वो 1947 में वजूद में आया, ठीक है। आप और ले लें कि मैंने आप लोगों को कल एक लेक्चर पढ़ाया, तो जो भी माजी में, कल माजी हो चुका है, आई टॉट यू पीपल अ लेक्चर लास्ट डे, जो काम भी और वो बेशक सदियों पहले हुआ हो, अलेक्जेंडर केम टू इंडिया बिफोर द क्राइस्ट, अलेक्जेंडर इंडिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले आया, ठीक है जी। तो केम, मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पुराना जमाना यूज किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से हमारा ये कैलेंडर शुरू होता है। 2020 गुजर चुके, 2020 गुजर चुका है, 2020 साल गुजर चुके हैं, 2020 साल, 2020 ईयर्स गुजर गए हजरत ईसा को इस दुनिया में आए हुए। और मैं उनसे पहले का भी एक एक्शन लिख रहा हूं, आई एम सेइंग द क्राइस्ट केम बिफोर। तो गौर करें, हम पास्ट परफेक्ट नहीं लगा रहे, हम पास्ट इंडेफिनिट लगा रहे हैं। अलेक्जेंडर केम। नेक्स्ट हम वो करते जाए, थिंक कोई क्वेश्चन आया, लेट मी टेक दैट क्वेश्चन। यस फहीम, ये पास्ट इंडेफिनिट है, जिसमें सेकंड फॉर्म आ गई वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। हम जल्दी से अपने पास्ट इंडेफिनिट को आगे बढ़ाते हैं। आप आगे देखिए इसकी स्ट्रक्चर्स लिखी हुई हैं, जरा स्ट्रक्चर्स को आप रीड कीजिएगा। प्लेन जी स्टूडेंट्स, तो हमारी उर्दू की पहचान भी आपके सामने है कि यूजली ता था, ती थी, ते थे, वो खेलता था, सोता था, लेकिन अली छोटी है, बड़ी है, ठीक है जी। मतलब जुमले के एंड पर अगर कोई आपको आ की साउंड, मैं साउंड से समझा देता हूँ, आ की साउंड, ए की साउंड किसी जुमले के एंड पर मिल जाए तो वो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो वो सोया, वो खेला, वो सोए, वो खेली, तो वो भी स्टूडेंट्स हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही कंसीडर किया जाएगा। तो आई डू होप कि आपको उर्दू पहचान भी समझ आ गई, हम जल्दी से इसके स्ट्रक्चर्स सीखने की तरफ जाते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर्स मिल रही है जी, सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। और नेगेटिव करना हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म। जब प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव बनाया था तो डू नॉट डज नॉट आया था, डू डज फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है तो डू डज की भी सेकंड फॉर्म आएगी जब नेगेटिव करना या इंट्रोगेटिव सवाल या करना होगा। तो डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जब डिड नॉट आ जाएगा तो उस डिड नॉट के खुद डिड सेकंड फॉर्म है, डिड की आने की वजह से हमें सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दो सेकंड फॉर्म एक सिंगल क्लॉज में नहीं आ सकती, सिंगल क्लॉज में नहीं आ सकती। और नेक्स्ट देखिएगा, डिड जब इंटरोगेटिव है जैसे डू डस बाहर आ गया डिड आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, जैसे आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, नेगेटिव क्या होगा, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, इंटरोगेटिव हो जाएगा डिड आई प्ले क्रिकेट यस्टरडे, व्हाई डिड आई प्ले क्रिकेट यस्टरडे। तो चूंकि टेंसेस बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किए होते हैं लेकिन जाहिर है चूंकि लेक्चर का हिस्सा है तो डिटेल में चीजें करवानी है जरा। तो जो भी पास्ट हैपनिंग है जी, पास्ट डेफिनेट, जो भी पास्ट हैपनिंग है, आने दे कोई भी पास्ट हैपनिंग की, दैट वुड बी पास्ट डेफिनेट।
कोई भी पास्ट हैपनिंग होगी दैट वुड बी पास्ट इंडेफिनिट, बेशक वो ऐसे सदियों पुरानी हैपनिंग हो। फहीम आपने जो क्वेश्चन किया है ना बड़ा मजे का क्वेश्चन किया है कि सर डू डज और डिड को वो कह रहा है एम्फसिस के लिए कैसे यूज करते हैं। डू डज और डिड एम्फसिस के लिए यूज होता है जी पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट डेफिनेट में। आपने चूंकि सिर्फ डिड पूछा मैंने साथ फिर उनके दोनों कजन भी बता रहा हूं। याद रखिएगा एक पॉजिटिव जुमले में डू डज और डिड को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज किया जा सकता है। एक पॉजिटिव जुमले में आप अभी तक आप देख रहे हैं नेगेटिव जुमले में और इंट्रोगेटिव में, पॉजिटिव में डिड है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, लेकिन हम यूज कर सकते हैं अगर हमने जरूर का मीनिंग देना जुमला और हो जाएगा। जैसे ही केम यस्टरडे, ही डिड कम यस्टरडे, फिर केम नहीं लगाना, डिड जो आ चुका है फिर केम नहीं कर पाएंगे। फहीम आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ही डिड कम कहना पड़ेगा। ही डिड कम का मतलब है वो जरूर आया था, वो लाजिम आया था। ही कम्स हियर और जरूर का मीनिंग देना, ही डज कम हियर वो लाजम आता है वो जरूर आता है। तो दैट इज टू यूज हाउ डू डज और डिड आप कैसे यूज कर सकते हैं पॉजिटिव जुमलों में एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक हो गया, वेरी गुड फहीम आपको समझ आ गई, मुझे इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, तो हमारे पास इसके आगे कीवर्ड्स, जैसे हम हर एक के कीवर्ड्स कर रहे थे तो इसके भी कीवर्ड्स हमारे पास हैं। अब पास्ट हैपनिंग हमने कर लिया, अगो अगो, टू डेज अगो, थ्री डेज अगो, लास्ट लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट किसी के साथ है यस्टरडे। अच्छा यस्टर के साथ ये यस्टरडे, यस्टर नाइट, यस्टर वीक, यस्टर मंथ, अक्सर हम यस्टरडे यूज करते हैं, यस्टर ईयर भी हो सकता है, यस्टर मंथ भी हो सकता है, और प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, तो हम पास्ट इंडेफिनिट की तरफ यूजुअली जाते हैं इनके साथ। He visited the place last Sunday. अब last Sunday आ गया, लगा दो जी। He visited this place. India attacked Pakistan in 1965. लो जी, done हो गया। कि India attacked Pakistan in 1965. 1965 में वाकया हुआ जी, past indefinite. आज से तकरीबन 55 साल पहले का वाकया, and we are 55 years पहले का वाकया है, and we are writing attacked. हम past perfect नहीं use कर पाए। तो फिर past perfect कब use करना है? Had attacked कब कहना है? ये भी सिखाएंगे आपको। लेकिन past perfect आने वाला है। वो तब सीखेंगे, आज ही सीखेंगे, अभी सीखेंगे। ओके जी, तो स्टूडेंट्स आते इस जुमले को फील करेंगे, क्या लगाएंगे आप इसके अंदर जी स्टूडेंट्स? यस सा, सा, वेरी गुड। तो सा क्यों आना है जुमले में? अगो आ गया था, हमने देखा जुमले में लिखा हुआ है अ फ्यू डेज अगो, तो हमने सिंपल भागा और पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया। ठीक है जी, तो अगो आपको नजर आ गया था, तो आई अ फ्यू डेज अगो आई सॉ एन एक्सीडेंट। ठीक हो गया जी, इधर फिल करें अ फ्यू डेज बिफोर आई डैश एन एक्सीडेंट, सिर्फ अगो की जगह बिफोर की है। आप बोले रुबाबिब सिंह सौ सौ नो, अब सानिया, अब आपका स्टूडेंट्स याद रखेगा हेड सीन काम ही उल्टा हो गया। आप कहेंगे सिर्फ दोनों सेंटेंसेस में एक वर्ड का फर्क है, ये था अ फ्यू डेज अगो तो सा लिया, ये था अ फ्यू डेज बिफोर तो हेड सीन ले लिया। हुआ क्या बिफोर, ये जो वर्ड बिफोर है ना इसको मजीद डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट में जाके। बिफोर का मतलब लाजमी तौर पर होता है किसी दूसरे काम से पहले, बिफोर बिफोर मतलब पहले, और पास्ट परफेक्ट हम यूज ही तब करते हैं। हिंट देके जा रहा हूं थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा करके, पास्ट परफेक्ट करेंगे हाँ जी, हिंट के पास्ट परफेक्ट तब यूज करते हैं जब वो किसी काम से पहले हुआ। मजीद सीखेंगे, आपने बस ये याद रख लेना है कि बिफोर जुमले में आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं यूज होना, ये डन है। पास्ट परफेक्ट क्यों यूज होना है ये पास्ट परफेक्ट में जाके बात कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट नहीं यूज कर सकते अगर जुमले में आपको बिफोर लिखा जा रहा है, ये आपने अपने दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट आते यहां फिल करेंगे शी डैश लेसन यस्टरडे, ए बी सी डी, आप इस तरह भी आंसर कर सकते होते हैं, मुझे बोल के भी आंसर कर सकते हैं आप लोग जी। डी 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 डिड नॉट लर्न एंड यस यू पीपल आर राइट इट इज डी, शी डिड नॉट लर्न लेसन यस्टरडे। रीजन उसकी के जाहिर है कि यस्टरडे आ गया था, डज नॉट या डू नॉट का तो काम नहीं था, डिड आ गया तो लर्न नहीं आ सकता, डिड के साथ दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आनी। That's really good जी। हम अपने ट्रांसलेशन के वर्क पर आते हैं तो मुझे यहाँ जरा ट्रांसलेशन करके दिखाएं जी। पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया, इंडिया भी लिख सकते हैं, इंडिया भी 1947 में वजूद में आया,
करें जी ट्रांसलेट, सब्जेक्ट पाकिस्तान बनाएगा इंडिया बनाए, हमारे पास दोनों नेशनल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947, वेरी गुड, 14 अगस्त भी लगा दिया जी फहीम ने, ठीक है नो इशू। पाकिस्तान केम इन 1947, नहीं एसएनएम क्या कर गए, और केम इनटू बीइंग, आई केम इन 1947, मैं आया 1947 में, मैं आया, पाकिस्तान आया तो नहीं है, पाकिस्तान वजूद में आया, मतलब पाकिस्तान बना, आप यू कह रहे पाकिस्तान बना, तो केम इनटू बीइंग, ठीक है जी। पाकिस्तान इस्टेब्लिश नहीं लगा पाएंगे जवेरिया बच्चे, उसकी रीजन है कि फिर आपको पैसिव वॉइस लगाना पड़ेगा, केम इनटू बीइंग तो ठीक है लेकिन इस्टेब्लिश नहीं, फिर वॉज इस्टेब्लिश, पैसिव वॉइस हमने करने, एक्टिव पैसिव तो आपके आते भी हैं जी बहुत सारे, बहुत सारे एग्जाम्स में आपके जो आप जॉब्स के दूसरे देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, तो पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश करना पड़ना था, पाकिस्तान इस्टेब्लिश, देखो आई मैं आपको एक्टिव पैसिव का एक हिंट दे देता हूँ, चलो जुमला आ ही गया, तो I established, मैंने establish किया, business established नहीं मैं कह सकता, वरना तो जना business ने establish किया, business was established, business established किया गया, देखो I started, मैंने शुरू किया, business started नहीं कह सकते, better है कि business was started ही कहा जाए, ठीक है जी, he started his business, he started, business started नहीं, ठीक है जी, तो business was started, business शुरू किया गया, तो वाज एस्टैब्लिश नहीं हम कह सकते, एस्टैब्लिश नहीं कह सकते, पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड, ले जी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पे आते हैं, पैसिव वॉइस करने जी हमने एक, ये हम जरा जो टेंसेस सारे कर रहे हैं ये प्रॉपर एक्टिव वॉइस में कर रहे हैं, पैसिव वॉइस आपको एक लेक्चर में यूं जाने हैं, पैसिव वॉइस का मेरे पास बड़ा प्यारा फार्मूला है, बहुत ही प्यारा फार्मूला है, एंड यू विल बी डूइंग इट, तीन फार्मूलाज करवाने, सिर्फ आपको तीन फार्मूलाज, सारे पैसिव वॉइस खत्म, फिनिश, थैंक यू। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पे आते हैं जी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे यूज किया जाता है जी, This tense is chiefly used for past action in progress when something certain happened. ये tense use किया जाता है chiefly mainly past action के लिए जो progress में है, जो जारी है, जो काम जारी है, कब जारी था, जब कोई चीज वाके हुई तब जारी था, when something happened, जैसे when I came the students were waiting for me, जैसे आज आप waiting room में थे बहुत सारे students, तो वो वेटिंग रूम इसलिए ऑन किया हुआ है ताकि आप लोग जाहिर है स्टूडेंट्स आके क्लास में शोर मचाते हैं, तो मैंने सबको वेटिंग रूम में रखा होता है कि जैसे मैं ज्वाइन करता हूँ तो फिर आपको वेटिंग रूम से क्लासरूम में एंट्री दे देता हूँ, और फिर मैं आपके वेटिंग रूम ओपन कर देता हूँ, अब कोई वेटिंग रूम में रुके ना, डायरेक्ट क्लास में आ जाए सारे, शुरू शुरू में कोई होता है। तो वेन आई केम यू पीपल वर इन वेटिंग रूम, देखो यू पीपल वर इन वेटिंग रूम, आप लोग वेटिंग रूम में थे उस वक्त, वो काम जारी था, यू पीपल वर वेटिंग फॉर मी, वर वेटिंग, मेरा इंतजार कर रहे थे। तो ये पास्ट कंटीन्यूअस हमें असल में माजी में किसी ऐसे काम का पता देता है जो किसी खास वक्त पर जारी था, या जब कोई काम वाके हुआ तो उस वक्त जारी था। जैसे जब आप पैदा हुए, ठीक है जी, जब आप लोग पैदा हुए तो पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ हुकूमत कर रहा था, और इंडिया में मनमोहन सिंह, आई थिंक वाजपेयी था या मनमोहन सिंह था, 2000, क्योंकि आप मैं ज्यादा हो चुके 20 के एरिया के राउंड बोर्ड है, 20 एज 25, तो जो 25 वाले हैं वो वाजपेयी हुकूमत साहब हुकूमत कर रहे थे उन दिनों, और अगर आप उस एरिया के पाकिस्तानी हैं तो नवाज शरीफ साहब हुकूमत कर रहे थे, तो कोई ना कोई हुकूमत कर रहा था, काम जारी था। जब आप इस दुनिया में पैदा, जब आप पैदा हुए तो अमेरिका जो था वो अफगानिस्तान में तबाहियां मचा रहा था, मचा रहा था, वर करें ये काम जारी था। तो दिस टेंस इज चीफली यूज फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस जारी जो हो। आइए जी हम इसकी देखते हैं सारी चीजें, ये स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आपको नजर आ रहा है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी मतलब आपको सब्जेक्ट के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है जी, ठीक है जी। तो मैं पॉइंटर लेजर ले लेता हूँ ताकि मुझे आप लोगों को पहुंचाना आसान रहे। आप गौर करें कि आपको करना क्या पड़ रहा है कि वाज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, नेगेटिव देखें, वाज वर्ब के साथ नॉट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और इंट्रोडक्टिव में वाज वर्ब बाहर, ये स्ट्रक्चर्स आपको आती हैं, ये सिर्फ तीन से आपको रिवाइज कर दी, आई वाज, यू पीपल वर वेटिंग, यू पीपल वर नॉट वेटिंग, वर यू पीपल वेटिंग, इंट्रोडक्टिव हो गया। अब इसका यूसेज के ना फार्मूलाज ज्यादा है, फार्मूलाज है,
पहला फार्मूला दिखेगा वॉज वर्ब स्लैश एज, ये जब का मीनिंग देते हैं, जब का प्लस सेकंड वर्ब, तो आगे आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर मिल रही है वॉज वर्ब आईएनजी। इसका मतलब जब आपको वेन या एज के साथ सेकंड फॉर्म लगी नजर आए, वेन एज के साथ सेकंड फॉर्म लगी नजर आए, तो समझ जाए आप आगे पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज कर सकते हैं। When I came second form है, देखो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, when I came, when के साथ second form, you people dash, you people will wait, have waited, were waiting, तो were waiting, when I came, you people were waiting, जब मैं आया तो एक काम जारी था। तो यही हमने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी, अभी फंक्शन पढ़ा कि जब माजी में कोई काम हुआ तो पास्ट कॉन्टिन्यूस वो एक्शन है जो उस वक्त कॉन्टिन्यू में होते हैं, जारी होती है। तो जो काम माजी में वाकई हुआ उसके वाके होने के वक्त जो काम जारी था वो पास्ट कंटीन्यूअस है। उसी डेफिनेशन को ये फार्मूला में कन्वर्ट किया है, उसी डेफिनेशन को स्टूडेंट्स, ठीक हो गया जी। बिफोर आई केम, मैं अब बिफोर के साथ भी फार्मूला बना रहा हूं, बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म आए, बिफोर आई केम यू पीपल वर वेटिंग, मेरे आने से पहले भी आप इंतजार कर रहे थे, जब मैं आया तब भी इंतजार कर रहे थे। और वाइल के साथ ये फार्मूला रिवर्स हो जाता है, वाइल के साथ देखे वॉज वर आईएनजी, वाइल वाले पार्ट में चले गए, वरना when, as और before वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म ही थी और was बार ing past continuous उधर था। was बार ing जब मैं कह रहा हूं it means past continuous, क्योंकि मैं इसकी स्ट्रक्चर लिख दी है समझ आने के लिए। while का असल मतलब होता है ये काम जो जारी, while का मतलब होता है जिस दौरान, मतलब जब ये काम जारी था। तो while you people were waiting I came, जब आप लोग इंतजार कर रहे थे मैं आ गया, while you were waiting जब आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो while के साथ आपने continuity लगानी है, while you people were waiting I came। So you saw that these three formulas are helping you to understand the whole structure, the whole usage of that past continuous tense। So let us fill that examples, when I entered the class the students were studying, when I entered, when has that second form, the students were studying, that action was continuing, when I entered, jab main enter hua ye kaam dusra pehle se jari tha, okay, while I was talking he slept, while I, देखो while के साथ formula while का apply हुआ, while I was talking he slept, के जब मैं बातें कर रहा था वो सो गया। okay, now let me give you a sentence and you have to answer me, and that is interesting and I'm going to give you people a twist and beware of it। when I asked his name, when I asked his name he dashed to reply, he refused या was refusing या had refused, क्या लगाएंगे? मैंने कोई ट्विस्ट मारा मैंने जी स्टूडेंट्स, सुजान का नाम मेरे सामने लिखा रहा है। When I came, he refused to reply, was refusing to reply, had refused to reply. What you people are going to put here? Was refusing, was refusing, was refusing. And now let me tell you that there was a twist. There was a twist. Jivaya, you did really good. आपने पहले refusing का, फिर आपने refuse पे आ गए। Had refused भी गलत है हाफिज साहब। Let me now explain it to you people directly. देखिए, मेरी बात गौर से सुननी है। I'm looking into you people's eyes now. When I asked his name, जब मैंने उसका नाम पूछा, when I asked his name, ये formulas apply होंगे, लेकिन उस definition के under apply होंगे। Function मैंने कहा था पढ़ा है, मैं सबसे कल भी याद है जिन लोगों ने कल का lecture लिया कि उतनी उसकी मैंने आपको बोला था उर्दू structure नहीं है कि उर्दू में पहचान क्या है, उतना आप जितनी ये फंक्शन है मैं और ये डेफिनेशन फंक्शन से निकाली गई है, और जैसे फंक्शन से ये फार्मूला फंक्शन से बाहर जाएगा, डेफिनेशन से बाहर जाएगा, फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। जब मैंने नाम पूछा क्या वो पहले से इनकार कर चुका था, क्या इनकार करना जारी था, मैं पूछ रहा हूं मजे की चीज, जब मैंने नाम पूछा तो इनकार करना क्या जारी था, बोले यस या नो में आंसर तो दे। जब मैंने नाम पूछा, नो नो सर, नो यस इट्स नो, तो जब ये काम पहले से जारी नहीं था तो पास्ट कंटीन्यूअस कैसे देंगे, ये काम तो पहले से जारी नहीं था। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट वर इन प्रोग्रेस, ये फंक्शन पढ़ कर आए हैं अभी, दैट वर कंटिन्यूइंग, दैट वर इन प्रोग्रेस, व्हेन और बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट, के जब माजी का काम हुआ या उससे पहले जो काम जारी था। अब यहां तो जब मैंने नाम पूछा तो रिफ्यूज, ये तो नहीं कि जब मैंने नाम पूछा वो पहले ही कह रहा था मैं नहीं बताना, मैं नहीं बताना, मैं नहीं बताना, वो तो अजीब हो जाएगा कि मैंने नाम पूछा वो पहले, कैसे हो सकता है वो काम उसको पहले से जारी हो। तो देखिए ये डेफिनेशंस, जब तक आप डेफिनेशन नहीं अप्लाई करेंगे आप करेक्ट यूज ऑफ वर्ब नहीं सीख पाएंगे।
और दैट इज मैं एक मजे की चीज बताऊं, हमारे स्टूडेंट्स ग्रामर में मार खा जाते हैं, ऑल दो ये जुबान हमारी नहीं है, ब्रिटेन की जो थी हमने ब्रिटेन से चले गए, अपनी जुबान छोड़ गया हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास छोड़ गया, हमने उसको अपनी अडॉप्ट कर लिया सुपीरियर सर्विसेज के लिए कि आगे हमने कुछ आईएसपी बनना है, सीएसपी बनना है, तो आप लोग को जाहिर है फिर ग्रामर को प्रॉपर सीखना पड़ता है और अक्सर चीजें इवन ये बुक्स में भी होती मौजूद थी। तो रिफ्यूज आना जी, मैंने यहां से मैं रिफ्यूज वाला फिजिकली लगा पाए, व्हेन आई रीच्ड होम द गैस क्या लगाएंगे, व्हेन आई रीच्ड होम द गैस, बोले जी माइक ऑन कर दें, सुजान आपका तो माइक ऑन है, बोल दें वेयर गोइंग सर, वर गोइंग, एंड यस इट इज राइट, इट शुड बी वर गोइंग, जब मैं घर पहुंचा बहन के साथ सेक्रेटरी फार्म है द गैस वर गोइंग, और ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं घर पहुंचा कई बार हम लेट आते हैं घर, मेहमान घर वालों से मिलकर जा चुके जा रहे होते, मतलब मैं घर एंटर होता मेहमान घर से बाहर निकल रहे थे, दरवाजे पे मुलाकात हुई है बस, तो व्हेन आई रीच्ड होम द गैस वर गोइंग, जब मैं घर पहुंचा मेहमान जा रहे थे, दैट्स इजी, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आई डैश माई बुक्स वेन शी अराइव्ड, अब बहन वाला हिस्सा पहले है, बाद में हमें उससे कोई नहीं लेना देना, तो व्हेन आई डैश माई बुक्स वेन शी अराइव्ड, व्हेन सर डी है ऑप्शन, डी शुड बी आंसर, यस इट इज डी, सो आई वाज स्टडीइंग माई बुक्स वेन शी अराइव्ड, कि जब वो पहुंची है मैं अपनी किताबें पढ़ रहा था, दैट्स वेरी गुड जी। तो जल्दी से हम नेक्स्ट आते हैं जी, अपने जी जी स्टूडेंट पूछिए, ये जो कुछ सर जी आपने जो पीछे, जी जी बोले बोले जी, जो मेहमान जा चुके थे भी तो हो सकता है, जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान जा चुके थे, तो जा चुके थे आप लगा सकते हैं, जब मैं घर पहुंचा मेहमान जा चुके थे, बट माय डियर स्टूडेंट एक चीज देखिए, क्या ऑप्शंस में पास्ट परफेक्ट मौजूद है हमारे पास, ज्वेलिया बोलो ऑप्शन में पास्ट परफेक्ट मौजूद है, नहीं ना है, हमने पास्ट कंटीन्यूअस ले लिया, नो सर, यस सर, और अगर पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट दैट इज परफेक्ट दोनों होते तो देन वी वुड बी एबल टू चूज कि हम क्या चूज करते, लेकिन एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, रीजन क्योंकि बहुत सारे जुमलों में बहुत सारी हैपनिंग्स में बोथ वुड बी करेक्ट, व्हेन आई रीच्ड होम द गैस हैड गोन इज आल्सो करेक्ट एंड व्हेन आई रीच्ड होम द गैस वर गोइंग इज आल्सो करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, देयर इज नो इशू। देखिए when the doctor arrived, ये आप लोगों का मैट्रिक का जुमला है, ओ लेवल्स का जुमला है, when I reached, when the doctor arrived, the patient had died, even you can say the patient was dying, जब डॉक्टर पहुंचा मरीज मर रहा था, ऐसा हो सकता है, मतलब मरीज अपनी आखिरी सांसों पे था, बस डॉक्टर पहुंचा जाकर उसे मरीज के करीब बैठा ये तो दम निकल गया, इसका मतलब जब डॉक्टर पहुंचा मरीज मर रहा था, उसकी रूह निकल रही थी, the patient was dying, तो दोनों करेक्ट हो जाते होते हैं उसमें, इसलिए एग्जामिनर आपको एक ऑप्शन के साथ ही कहलाता है जी। नेक्स्ट आते हैं, जल्दी से हम इसको पूरा करते हैं, स्पीडली, व्हाइल ही वाज लुकिंग फॉर मी आई डैश एट माय होम, सर सी होगा, आई वाज एट माय होम, व्हाइल ही वाज लुकिंग फॉर मी आई वाज एट माय होम, देखिए व्हाइल के साथ पास्ट कंटीन्यूअस लग गया, इट्स डन, हमें दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म देनी है फार्मूला के मुताबिक, फार्मूला पे दोबारा लिख चलता हूं, फॉर्मूला के मुताबिक अगर आप देखें तो वायर के साथ आपका वॉज वर आई एनजी लग गया, तो दूसरे से सेकंड फॉर्म देनी है आपने, और अगर सेकंड फॉर्म देनी है तो नीचे सेकंड फॉर्म ढूंढे, तो सेकंड फॉर्म वॉज है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, बी इनके से फॉर्म है जी, बी बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, सेकंड फॉर्म है वॉज वर इज एम आर की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है बीन इज एम आर की थर्ड फॉर्म बीन है बीन, और इसकी जो आई एनजी फॉर्म होती है वो बीन होती है, तो हमें सेकंड फॉर्म लेनी थी, वॉज सेकंड फॉर्म है, सिंपल is am या had been तो past perfect हो गया, देखो had been past perfect है, कैसे पता लगा, had के साथ been लगाए, been कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और had थर्ड फॉर्म तो past perfect में आता है, तो स्टूडेंट्स जो है ये हमारा past perfect जो है वो continuous के को एंड करते हैं, मुझे ये स्ट्रक्चर ट्रांसलेट करके दिखाएं जी, तमाम तलबा मेहनत कर रहे थे, ये तो बहुत आसान है, तमाम तलबा मेहनत कर रहे थे, इट्स वेरी इजी, All the students were working hard. All the students were working hard. All the students were working hard. That's really good, जी. तो reason तमाम तलबा मेहनत कर रहे थे. बिल्कुल ठीक हो गया जी. तो students one hour गुजर चुका है हमारा. Past perfect जो tense है ये time taking tense है. इसने हमारा कम से कम दिया 20-25 मिनट लेने. Past perfect के अंदर मैंने अभी आपको past indefinite करते हुए बताया था कि there are so many things. जो कि पास परफेक्ट को पास इंडेफिनिट से अलग करती है, हमने देखा
कि हम माजी के एक्शंस के लिए बेशक वो सदियों पुराना भी हो पास्ट इंडेफिनिट ही यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट इट मींस हमें तब यूज करना है जब कोई स्पेशल केस बनेगा, अदरवाइज पास्ट परफेक्ट यूज नहीं होगा। तो पास्ट परफेक्ट एक मजे का टेंस है। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में जाके थोड़े से हिंट्स दिए थे कि एनी एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट इज पास्ट इंडेफिनिट, बेशक वो आज से 100 सदी पहले भी हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है जी। जीसस केम टू दिस प्लेनेट इन 2020 इयर्स अगो, 2020 साल पहले भी आए, वो 2020 इयर्स अगो आए। मैंने हेड कम नहीं लगाया, मैं केम लगाया। ठीक है जी। अलेक्जेंडर रूल्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड। अलेक्जेंडर रूल्ड, अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर आजम भी बोल देते हैं, दैट वाज इवन बिफोर क्राइस्ट, वो हजरत ईसा से भी पहले का है। मैंने फिर भी रूल्ड लिखा, हेड रूल्ड नहीं लिखा। तो देन भी पास्ट परफेक्ट कब यूज करना है कि आपने सारे एक्शंस वो पुराने से पुराने थे, या आज सुबह भी जो एक्शन हुआ, यू गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट है। यू गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे, आज आप सुबह जल्दी उठे, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुडे। तो भाई फिर पास्ट परफेक्ट कब करना है? जो आज हुआ है सुबह वो भी आप पास्ट इंडेफिनिट दे रहे हैं, जो ऐसे सदियों पहले हुआ वो भी पास्ट इंडेफिनिट दे रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट, दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन आउट ऑफ टू एक्शंस It is necessary to emphasize that the preceding, preceding होता है जो पहले हुआ हो। Preceding के साथ मैं लिख देता हूँ action one, याद रखिएगा preceding पहले जो हुआ है। दो actions है ना, ये देखो बात हो रही है two actions की, ये ध्यान में रखना। Preceding action has completely finished before the succeeding action, succeeding जो बाद में हुआ, second action। तो इसको मैं सादा लफ्जों में समझाऊं तो जब माजी के दो एक्शंस में, माजी के दो एक्शन में ये बताना हो कि एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले मुकम्मल हो चुका था, परफेक्ट हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, तो तब हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं जी। मैं आप लोगों को सादा लफ्जों में समझाता हूं। जब डॉक्टर आया, स्टूडेंट्स जब डॉक्टर आया, मरीज परफेक्ट हो चुका था। डॉक्टर्स के साथ, माजरत के साथ जी जो मौजूद है हमारे साथ, जब मरीज आया तो डॉक्टर पास्ट परफेक्ट हो चुका था, मुकम्मल हो चुका था। ये हमारी बुक्स में पढ़ाया जाता है, वरना मैं कहता हूँ जी डॉक्टर्स बड़ी जो है मेहनत से अपनी ड्यूटीज देते हैं। तो जब डॉक्टर आया, मरीज मर चुका था, कंप्लीट। दो एक्शन हुए जी, एक डॉक्टर आया, माजी में हुआ है, डॉक्टर आया, मरीज मर चुका था, तो दोनों में जो पहले हुआ है, जो फर्स्ट एक्शन है, वो पास्ट परफेक्ट है। और इसीलिए तो इस टेंस का नाम परफेक्ट है, बिकॉज़ द एक्शन हैड कंप्लीटेड, परफेक्ट, परफेक्ट मींस एंडेड, कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट, माजी के ही दूसरे एक्शन से पहले। अगर उर्दू पहचान लेनी है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थी, जैसे मैं पढ़ा चुका था, मैंने पढ़ा लिया था, मैंने पढ़ा दिया था, सारे हम पास्ट परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको आज एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जब हम करेक्ट यूज ऑफ वर्ब करते हैं ना, हमारे लिए पास्ट परफेक्ट तभी लगाना है जब सेंटेंस में डबल एक्शन की सेंस आए। जब तक डबल एक्शन की सेंस नहीं आएगी, पास्ट परफेक्ट यूज नहीं होगा। आई वेंट टू लाहौर करेक्ट है, लेकिन आई हैड गॉन टू लाहौर रॉन्ग है। ठीक है, आप उर्दू ट्रांसलेशन से पकड़ेंगे जी, वो लाहौर जा चुका था, तो आप कहेंगे जी ही हैड गॉन टू लाहौर, लेकिन पेपर में आपको सेंटेंस आ गया है करेक्शन के लिए, ये सेंटेंस करेक्शन के एंगल से बात कर रहा हूं, ही हैड गॉन टू लाहौर, आप रॉन्ग कर देंगे ही हैड गॉन टू लाहौर। एंड व्हाई इट वुड बी मेड रॉन्ग, रीजन के आपके जुमले में डबल एक्शन की सेंस ही नहीं आई। लगाए ही हैड गॉन टू लाहौर बिफोर आई केम, फिर ठीक है, दो काम हुए, दोनों में जो पहले परफेक्ट हो गया पास्ट परफेक्ट, जब मैं आया वो लाहौर जा चुका था, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर, चलो ऑलरेडी लगा दें। ऑलरेडी का मतलब लाजम है कि ये किसी काम से पहले हुआ, ऑलरेडी पहले ही, वो लफ्ज पहले ने हिंट दे दिया कि ये दूसरे काम से पहले हुआ है। लेकिन एक बगैर हिंट के, जिसमें डबल एक्शन का हिंट ही नहीं है, उस सेंटेंस में कभी भी पास्ट परफेक्ट यूज नहीं हो सकता जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आज आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं अगली स्लाइड पे।
तो आपको स्ट्रक्चर मिल रही है कि सिंपल सेंटेंस की सब्जेक्ट प्लस हेड थर्ड फॉर्म, हमें हेड थर्ड फॉर्म से लेना देना, सब्जेक्ट तो हर टेंस में आ जाएगा, नेगेटिव है तो हेड नॉट थर्ड फॉर्म, और इंट्रोगेटिव है तो हेड बाहर आ जाएगा, जैसे सारे टेंसेस में अब तक पढ़ते रहे हेल्पिंग वर्ब आ रहेगा, ये बातें पढ़ी हुई है। कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी, बिफोर और आफ्टर। ऑलरेडी बिफोर आफ्टर आ जाए तो आप पास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी लगाया, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर, ही हैड गॉन टू लाहौर बिफोर, लफ्ज बिफोर ने बता दिया कि दो बार गया है और एक बार वो पहले भी जा चुका था, जो पहले जा चुका था दो बार में से वो पास्ट परफेक्ट हो गया, ही हैड गॉन टू लाहौर बिफोर। लेकिन कभी नहीं कहना ही हैड गॉन टू लाहौर और फुल स्टॉप लगा दी, दैट वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग। पास्ट परफेक्ट, दैट इज व्हाई जब मैंने कहा कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, हैड कम क्यों नहीं लगाया, सेंटेंस में डबल एक्शन नहीं था। मैं लगा के दिखाऊं आपको, पाकिस्तान हैड कम इनटू बीइंग, आप खुद लगाएंगे अपने हाथों से लगाएंगे, मैं ब्लैंक दे रहा हूं आप लोगों को, खाली जगह दे रहा हूं, पाकिस्तान डैश इनटू बीइंग बिफोर यू वर बॉर्न, पाकिस्तान केम इनटू बीइंग के हैड कम इनटू बीइंग बिफोर यू वर बॉर्न, पाकिस्तान डैश इनटू बीइंग बिफोर यू वर बॉर्न हैड कम इनटू बीइंग, केम नहीं लगाना रुबाब बच्चे, हैड कम इनटू बीइंग, हैड कम, ये हैड कम क्यों लगाना पड़ा, दो एक्शन हो गए माजी के, एक आप पैदा हुए, आप भी तो माजी में पैदा हुए, और एक पाकिस्तान वजूद में आया, दो एक्शंस हो गए, नाउ यू वुड पुट हैड कम इनटू बीइंग, क्योंकि जुमले में डबल एक्शन हो गया और दोनों में जो पहले हुआ दैट वुड बी पास्ट परफेक्ट। आई डू होप कि अब आप लोगों को बात पास्ट परफेक्ट और पास्ट डेफिनेट का सही डिफरेंस समझ आ गया, कि असल डिफरेंस इन दोनों का जो है एक्शन का डिफरेंट होना, डबल होना जरूरी है, और दोनों में एक का पहले कंप्लीट होना जरूरी है, दैट्स रियली गुड। और ये देखिए करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में आपको कितना काम देगा ये आइडिया, और ये आइडिया एग्जामिनर खेलता है आप लोगों के साथ। तो ये फार्मूलाज दिए हुए, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में आपने फार्मूलाज पढ़े थे, ये पास्ट परफेक्ट में भी तकरीबन वैसे ही फार्मूलाज हैं कि व्हेन एज के साथ सेकंड फॉर्म हो तो हैड थर्ड फॉर्म, और तब हमें आई थिंक हमने या किसी ने बोला था कि सर हमने जब व्हेन एज के साथ सेकंड फॉर्म आए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में पढ़ा रहा था कि व्हेन आई एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स वर लर्निंग द लेसन, तो ऐसा भी तो हो सकता था, उसने कहा था कि हैड लर्नड, तो वो भी ठीक है। आवाज ठीक नहीं आ रही बाकी स्टूडेंट्स, बाकी लोगों को आवाज ठीक आ रही है? जब व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, जब मैं क्लास में दाखिल हुआ, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, मतलब वो काम उस लम्हे जारी था तो पास्ट Continuous, वो उस काम उस लम्हे कंप्लीट हो चुका था तो पास्ट परफेक्ट। बोथ आर करेक्ट, आप दोनों जो मर्जी लगा सकते हैं, अगर कॉन्टिन्यूटी की हालत है तो वो दे दें, और कई बार दोनों में से जो मर्जी लगाए दोनों करेक्ट हो जाते होते हैं। अच्छा, बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म हो तो तब भी आपने पढ़ा था कि सेकंड नेक्स्ट हेड थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस आ सकते हैं। बिफोर आई एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स हैड लर्नड द लेसन, वर लर्निंग द लेसन, बोथ आर करेक्ट। तीसरा फार्मूला डिफरेंट है, वहां तीसरा फार्मूला था व्हाइल के साथ, वाइल वाला फार्मूला इधर नहीं आएगा जी, यहां फार्मूला टिल और आफ्टर के साथ, टिल और आफ्टर, और फार्मूला देखो रिवर्स हो गया, हेड थर्ड फॉर्म अब उस साइड पे चली गई है, टिल आफ्टर वाली साइड पे, पहले व्हेन और एज और बिफोर वाली साइड पर हेड थर्ड फॉर्म नहीं थी, तो टिल आफ्टर हेड थर्ड फॉर्म, आगे सेकंड फॉर्म। अब मैं ये क्या कह सकता हूं कि ही डिड नॉट गो टिल ही हैड सीन ऑल द पिक्चर्स, या टिल ही हैड सीन ऑल द पिक्चर्स He did not go. दो काम हुए, एक वो गया नहीं और दूसरा उसने पिक्चर्स जो है वो देखी। मतलब अब क्या है, दोनों में जो पहले क्या हुआ, उसने पहले पिक्चर देखी है फिर गया है, कि वो नहीं गया जब तक उसने तस्वीर ना देख ली, मतलब तस्वीर देख के गया, तो पहले कौन सा काम हुआ, तस्वीर देखी फिर गया, तो जो पहले काम है वो पास्ट परफेक्ट। तो देखो टिल और आफ्टर वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट ले रहा होता है, ही वेंट आफ्टर ही हैड सीन द pictures, he went after he had seen, yeah after he had seen he went, to wo till after ka hissa jumle mein pehle aaye baad mein aaye lega past perfect kyunki wo kaam pehle hua hoga, wo dono actions mein। examples dekhte hain, when I reached the station the train had left, do kaam hue,
मैं स्टेशन पहुंचा हूँ, दूसरा गाड़ी जा चुकी थी, तो चूंकि गाड़ी का जाना मुझसे पहले हो चुका था तो पास परफेक्ट। और अगर गाड़ी का जाना मेरे स्टेशन पर पहुंचने के वक्त जारी था तो पास कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मैं कहूं मुझे वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि याद आ जाता है कि when that Kajal reached railway station the train was leaving, सीन याद आ गया आपको? तो वो सीन देखो, वो काम अगर जारी था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, और अगर वो काम पहले से हो चुका था, अगर होता, खैर उधर तो नहीं हो चुका था, अगर आप स्टेशन पहुंचे और देखा जी गाड़ी तो वो बस बैक नजर आ रही है थोड़ी सी, गाड़ी जा चुकी थी तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो दोनों ठीक है, गौर करो। वही तो आपको समझा रहा था कि एक्सेस सिचुएशंस में दोनों करेक्ट हो जाती है। द पीएन हैड रंग द बेल बिफोर आई एंटर्ड द क्लास, के मेरे क्लास में दाखिल होने से पहले पीएन घंटी बजा चुका था, वॉज रिंगिंग भी लगा सकते हैं, के द पीएन वॉज रिंगिंग द बेल बिफोर आई एंटर्ड द क्लास। व्हेन आई वेंट देयर, ये खुद फिल करना है और ये इंटरेस्टिंग दे रहा हूं आपको। व्हेन आई वेंट देयर शी डैश हर डिनर, और वर्ब हैव लगाना है, आपको परेशान कर रहा हूं, वर्ब हैव लगाना है। हैड हैड हर डिनर, शी हैड हर डिनर, शी हैड, शी हैड, बस हैड लगाएं, अकेला एक बार हैड लगाएं, हैड 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 हैड, हां हैड हैड लगाएंगे बच्चे, वेरी गुड जवेरिया जी। यस, यहां पे मेन वर्ब है ना, हां तो हैव यहां मेन वर्ब है, हम लगाएंगे बेसिकली यहां हैड हैड, याद रखिएगा। मैं आपको फिल करके देता हूं, चूंकि मैं अपने माउस की मदद से लिख रहा हूं तो थोड़ा सा अच्छा, मैं आप लोगों को जो असाइनमेंट्स चेक करके देता हूं उसमें मैं अपनी फिंगर की मदद से लिख रहा होता हूं अपनी टैब के ऊपर, क्योंकि मैंने देखा कि पेन जो था, टच पेन जो था, स्टाइलस जिसको हम कहते हैं, वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा था, तो आई वॉज राइटिंग विद दी ऑन माई टैब, जब मैं आपके असाइनमेंट चेक कर रहा था तो अपनी पेन की मदद से मार्क कर रहा था, सर्कल कर रहा होता हूँ, तो कई बार आप सोचते होंगे सर की हैंड राइटिंग कैसी है, वो अपनी फिंगर से लिख रहा होता हूँ, क्योंकि स्टाइलस ना उतना अच्छा मैंने देखा उन असाइनमेंट्स पर चला नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे को उसकी मिस्टेक ही भेजनी है तो मैं अपनी फिंगर की मदद से चला रहा होता हूँ। तो हैड हैड लगाया जी, चले ये मैंने माउस की मदद से लिख दिया, शी हैड हैड हर डिनर। अब हैड हैड क्या तुक बनती है, याद रखिएगा हमारे पास मेन वर्ब था हैव, ब्रैकेट्स में हैव देने का मतलब वो मेन वर्ब है। हैव जब मेन वर्ब के तौर पर आता है इसके कई मीनिंग्स होते हैं, हैव मेन वर्ब के तौर पर रखने का मीनिंग भी देता है, आई हैव बुक्स, मैं किताबें रखता हूँ, मेरे पास किताबें हैं। हैव खाने का मीनिंग भी देता है, पीने का मीनिंग भी देता है, आप जब किसी कैंटीन पर होते हैं, जब किसी कैफेटेरिया में होते हैं, होटल में होते हैं, तो किसी दोस्त को कहते नहीं वी हैव सम डिनर, हैव सम बाइट, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, जूस पी रहे हो, कह रहे थे भी हैव अ सिप, तो हैव अ सिप का क्या मतलब है, थोड़ा सा लीजिए, पी लीजिए, खा लीजिए, तो वहां यहां हैव खाने का मीनिंग है, ईट का मीनिंग दे रहा है। अगर मैं यहां ईट देता, फर्ज करो ईट देता, तो व्हेन आई वेंट देयर तो आपने लगाना था शी हैड ईटन हर डिनर, शी हैड ईटन, मैं टेक देता तो शी हैड टेकन, डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ टेक ज्यादा अच्छा है जी, और लंच के साथ शी हैड टेकन हर डिनर, ईटन हर डिनर, Had eaten. तो अब have आ गया तो have की भी थर्ड फॉर्म लगा दें, has have की, has have खुद फर्स्ट फॉर्म्स हैं, had इनकी सेकंड है और had इनकी थर्ड है, तो हमने had लगा दिया, पहला had helping verb आ गया, ये फार्मूले वाला गौर करना है, ये पहला had helping verb आ गया और दूसरा had verb की थर्ड फॉर्म बन के आया, having नहीं पुट कर पाएंगे जैसे कि एक बच्चे ने मुझे पुट करके भेजा था, तो आई डू होप कि आपको ये चीज अच्छी समझ आ गई होगी। लो जी, When I asked her name, she dashed to reply. ये जुमला खैर मैं पूछ चुका हूँ, पिछले दिन पहले ही पूछ लिया था, past continuous में पूछ लिया था। A, B, C, D क्या लगा रहे हैं? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Answers आ रहे हैं जी. And the answer that I am receiving, Delta, Charlie, Delta, Charlie. विनोद आपने lecture attend नहीं किया था, that is why आप कह रहे हैं, लगता है मोहम्मद फहीम ने भी लेक्चर मिस किया था। जवेरिया वेरी गुड, एंड दैट डी वाला विनोद साहब वेरी गुड, विनोद साहब ने तो ठीक आंसर लगा दिया, दैट इज रियली गुड, एंड यस द आंसर इज डेल्टा, ही रिफ्यूज्ड,
देखो जब मैंने उसका नाम पूछा, ये आपको एक एक्सेप्शन करवाई है असल में, जब मैंने उसका नाम पूछा क्या वो रिफ्यूज कर चुकी थी, क्या वो पहले से इनकार कर चुकी थी? Had she refused when I asked? भी जब मैंने पूछा वो रिफ्यूज कर चुकी थी क्या पहले से, बोले क्या वो पहले से इनकार कर चुकी थी? नो. क्या वो इनकार कर रही थी? जब मैंने पूछा, ये तो बड़ा अजीब नहीं हो जाएगा कि मैंने जब किसी के नाम पूछा आपका नाम क्या है, वो मुझे पहले से इनकार कर चुका, मैं नहीं बताना, या जब मैं नाम पूछ रहा था जी आपका नाम क्या है, वो मेरे नाम पूछते हुए बता रही हो मैं नहीं बताना. इसका मतलब ये एक्शन, जब मैंने उसका नाम पूछा, रिफ्यूज करने वाला एक्शन ना तो उस वक्त जारी था, ना उससे पहले हो चुका था, ना मैं पास इंडेफिनेट लगा कॉन्टिन्यूस लगा पाया, ना मैं पास परफेक्ट लगा पाया, मुझे पास इंडेफिनेट देना पड़ा. याद रखिएगा, इसलिए मैंने कहा कि सबसे अहम है फंक्शन, सबसे अहम है फंक्शन. और अगर आपका फंक्शन ही करेक्ट नहीं है, जो मैंने आपको कहा था कि सारे टेंसेस जो हम कर रहे हैं सबसे अहम ये फंक्शन है, ये डेफिनेशन जो दी हुई है, ये एक तरह की डेफिनेशन है टेंस की, सबसे अहम ये चीज है. दो एक्शन में जो पहले हुआ वो पास परफेक्ट है, अगर वो पहले नहीं हुआ तो वो पास परफेक्ट भी नहीं है, डन है. तो सबसे अहम वो डेफिनेशन है जो हर टेंस की मैं आपको करवाई जा रहा हूं, हर टेंस की मैंने करवाई है, ताकि आप लोगों को उस टेंस के इवन कीवर्ड्स या उसके फार्मूलाज अप्लाई तो होते हैं, लेकिन जहां वो फार्मूलाज अपनी डेफिनेशन या अपने फंक्शन की बाउंड्री क्रॉस करेंगे, हम उन फार्मूलाज को रिजेक्ट कर देंगे और फंक्शन के बेस पर जाएंगे प्योरली. हम उन फार्मूलाज को जब तक मानेंगे जब तक वो अपने फंक्शन और डेफिनेशन की पर पूरा उतरेंगे. आई डू होप कि आपको ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी. लें जी इसको ट्रांसलेट करें. सितंबर से पहले हुकूमत कोरोना पर काबू पा चुकी थी. करें जी ट्रांसलेट. क्योंकि हम साथ दोनों एंगल चला रहे हैं, हम करेक्ट यूज ऑफ वर्ब भी चला रहे हैं और ये भी चला रहे हैं. जल्दी जल्दी शाबाश. जी जी बोले प्लीज. गवर्नमेंट हैड कंट्रोल ओवर कोरोना बिफोर सितंबर. तो गवर्नमेंट हैड कंट्रोल्ड कोरोना बिफोर सितंबर. द गवर्नमेंट हैड कंट्रोल्ड ओवर कोरोना. अच्छा एक चीज याद रखिएगा, कंट्रोल एज अ वर्ब यूज हो तो जुमले में आपने नहीं देना, कोई प्रेपोजिशन नहीं देनी. गवर्नमेंट हैड कंट्रोल्ड कोरोना, ये पढ़ेंगे जब प्रेपोजिशन आपको सिखाऊंगा यूज ऑफ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन की फीलिंग आती है जी आप लोगों को आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में, तो प्रेपोजिशंस को भी सीखेंगे इंशाल्लाह. तो द गवर्नमेंट हैड कंट्रोल्ड कोरोना. कंट्रोल एज अ वर्ब आया है, एज अ नाउन आया तो और बात है, एज अ वर्ब आया तो हम इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं देंगे. बिफोर सेप्टेम्बर, गौर करें दो एक्शन हुए एक तरह यहां, एक तो सितंबर आया और एक गवर्नमेंट काबू पा चुकी थी. तो दोनों एक्शन में जो पहले हुआ वो पास परफेक्ट दे दिया हमने. हमने कहा है सितंबर से ये पहले हो चुका था. अच्छा इंडिया से सुजान साहब हमारे साथ हैं. पाकिस्तान में तो खैर बहुत बेहतर होगी सूरत हाल. इंडिया इज स्टिल सफरिंग फ्रॉम इट जी. दुआ है हमारी, विशेज हैं कि सारी कंट्रीज में जल्द अज जल्द जो है ये खत्म हो. ये प्लाइट पाकिस्तान में काफी हद तक कंट्रोल है, लेकिन मुकम्मल अभी खैर एब्सेंस नहीं है. तो हमारी इधर भी दुआ है, उधर के लिए भी दुआ है. रीजन अगर किसी एक दुनिया के मुल्क में भी रह गया तो लोग तो ट्रेवल करते हैं फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उससे बाकी दुनिया में फिर फैलने का खदशा हो सकता है. तो जब तक साइमल्टेनियसली पूरी दुनिया में खत्म नहीं होता तब तक हम अपने आप को जो है इससे सेफ डिक्लेयर नहीं कर सकेंगे जी. तो दुआ है कि इंडिया में भी ये जल्द अज जल्द जो है वो होगा बेहतर, और जो है इसकी सूरत हाल जो खराब तर हो रही है बेहतर हो जाए. पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे हम आ रहे हैं जी. तो पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे पहले वही डेफिनेशन फंक्शन. इट डिनोट्स एन एक्शन कॉन्टिन्यूइंग इन द पास्ट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम बिफोर अनदर एक्शन ऑफ पास्ट. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फर्क सीखना है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था
कि द एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, माजी में शुरू हुआ और आज भी जारी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, वो परफेक्ट भी था कंटिन्यूअस भी था. आई हैव बीन टीचिंग एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फॉर 12 years. 12 साल परफेक्ट हो गए जी, 12 years परफेक्ट हो गए. ये सितंबर में, 16 सितंबर को मेरे 12 साल कंप्लीट हो जाने इस इंस्टीट्यूट में. तो 16 years परफेक्ट हो गए, ओके डन. 12 years सॉरी परफेक्ट हो गए, बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन. ठीक है, परफेक्ट भी है कॉन्टिन्यूस भी है. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों कहा, क्योंकि प्रेजेंट में भी जा रही है लेकिन कुछ ना कुछ परफेक्ट भी हो गया. लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है कि इट डिनोट्स एन एक्शन कॉन्टिन्यूइंग इन द पास्ट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. ये वो एक्शन है जो माजी में किसी खास वक्त तक जारी रहे बिफोर एनदर एक्शन ऑफ पास्ट, माजी के किसी और काम से पहले. ये माजी में जारी रहे, आज जारी नहीं है. एक्शन गौर कर क्या लिखा है, आपको लिखा नजर आ रहा कॉन्टिन्यूइंग इन द पास्ट, प्रेजेंट नहीं, पास्ट में जारी रहे बिफोर एनदर एक्शन. और गौर करो परफेक्ट की डेफिनेशन भी हमने यही पढ़ी थी, पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन अभी पढ़ के आए. पास्ट परफेक्ट वो होता है जो दूसरे काम से पहले, और कॉन्टिन्यूस का मतलब जारी, तो दूसरे काम से पहले जारी. परफेक्ट भी कॉन्टिन्यूस भी, और ऊपर से पास्ट भी. पास्ट परफेक्ट जो दूसरे काम से पहले हुआ, और कॉन्टिन्यूस का मतलब दूसरे काम से पहले वो जारी था. उर्दू पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, भी रहा था, रही थी, रहे थे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की भी पहचान है. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान होगी कि साथ टाइम लिमिट दी होगी कोई ना कोई, 2 सालों से 20 सालों से. वो 20 सालों से यहां काम कर रहा था. अब ये जुमला बता रहा है कि अब मजीद काम नहीं कर रहा, 20 सालों से काम कर रहा था, इसका मतलब आप छोड़कर जा चुका है. He had been working. आते सब्जेक्ट के बाद had been फर्स्ट फॉर्म ing. और गौर करें, हमने इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐसे नहीं कहा, ये पास्ट परफेक्ट है. had been had थर्ड फॉर्म है असल में. आपको तो ना बीन थर्ड फॉर्म होती है वॉज वर्ब की, याद रखिएगा. बी और बी इज ए मार फर्स्ट फॉर्म है, और इसी इज ए मार की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब है, और इसी वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन है, और आई एन जी फॉर्म बींग होती है. तो ये आ गई आपकी थर्ड फॉर्म जी, बीन. हैड थर्ड फॉर्म किस में आती है, पास्ट परफेक्ट में, और आई एन जी फॉर्म किस में आती है, कॉन्टिन्यूस में. तो देखो नाम ही सिर्फ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसका यूसेज भी आपने देखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, और उसकी स्ट्रक्चर जो आई है, जो उसके अंदर वर्ब्स आए, वो भी पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों के आए. नेगेटिव करेंगे तो याद रखिएगा आपने हैड के बाद नॉट लगा देना है, ये जगह आपकी नॉट की फिटिंग की आएगी. हमेशा नॉट लगाते वक्त पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है. ही हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 20 years, ही हैड नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 20 years, हैड ही बीन वर्किंग हियर फॉर 20 years, had he been, interrogative है तो had बस बाहर निकल आएगा. पहले helping verb की game होती है जिस negative बनाने के लिए भी और interrogative बनाने के लिए भी. दूसरे तीसरे helping verb को कभी नहीं हाथ लगाया जाता. Examples देखते हैं. अच्छा, इन जुमलों में हम time के लिए since for के साथ time जरूर देते हैं. T means stand for time. और मैंने since for का usage भी समझा दिया था, दोबारा बता देता हूँ कि since starting time और for duration. देखते हैं इधर. He had been living here. लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980. तो सिंस क्यों लगाया, हमें ड्यूरेशन तो नहीं मिली, हमें यह पता लग गया 1980 में स्टार्ट हुआ था. स्टार्ट को ऐसे याद रखना है, स्टार्टिंग टाइम मतलब सिंस, स्टार्ट भी ऐसे, सिंस भी ऐसे, अब आपको भूलेगा नहीं कभी. तो स्टार्टिंग टाइम हो तो सिंस, हमें यह नहीं पता लगा कितने साल बीत गए, जुमले से नहीं पता लगा, खुद कैलकुलेटर मारेंगे तो पता लगेगा. जुमले ने बताया 1980 से हुआ जी, तो हमने लगा दिया हैड बीन. अब आप एक मजे की चीज देखिएगा, मैं इधर हैज बीन भी लगा दूं तब भी ठीक है, हैज बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग, उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन क्या है, जुमले का तर्जमा चेंज होगा ना. वो 1980 से यहाँ रह रहा है, अभी भी जा रही है, तो ही हैज बीन लिविंग. वो 1980 से यहाँ रह रहा था, ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980. बोथ आर करेक्ट, यस बोथ आर करेक्ट, 1980 के साथ दोनों ठीक है. लेकिन 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 अब आप लोगों ने जिस चीज का ख्याल रखना है के पेपर में, तो ये दोनों में से आप जो मर्जी लगा देंगे इस जुमले में, लेकिन कुछ जुमले ऐसे होंगे जिसमें ऐसा नहीं होगा. अगला जुमला देखते हैं. हमें फॉर आ गया था, फॉर सिंस फॉर के साथ जब टाइम मिल जाए ना आपको, सिंस फॉर के साथ
टाइम मिल जाए, याद रखिएगा कोई ना कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। फैसला बाद में करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सिंस फार के साथ टाइम आ गया, वो ऊपर भी मैंने सर्कल करके आया हूं ये वाला, कि सिंस फार के साथ टाइम आ गया। यहां सिंस फार के साथ टाइम 1980 था, पर ये नहीं पता लगा कि 1980 ये काम, 1980 से ये काम अब तक जारी है कि 1980 से ये काम जारी था। ठीक है, 1980 से यहाँ रह रहा था कि रह रहा है, हमें नहीं पता लगा क्योंकि उर्दू तो नहीं लिखी हुई साथ। वी कैन फिल बोथ, लेकिन इस जुमले में एक ही आना है जी, इसमें दोनों नहीं आ सकते। ये जो जुमला मैं आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ, गौर करें, इस जुमले में लिखा ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर पास्ट 10 इयर्स बिफोर माय अराइवल, मेरे आने से पहले, मतलब अब नहीं, मेरे आने से पहले ये काम हो रहा था, मेरे आने से पहले रह रहा था। अब बिफोर का मतलब पहले, इसका मतलब ये काम पहले जारी था, अब जारी नहीं है। अब इधर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगा पाऊंगा, अब मुझे इधर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है कि ये काम माजी के किसी काम से पहले जारी था। यही तो डेफिनेशन पड़ी थी, बिफोर माय अराइवल, मेरे आने से पहले ये जारी था। अगला जुमला देखिए, द कायद मोहम्मद अली जिन्ना हैड बीन सर्विंग द नेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर हिज डेथ। देखो सिंस फॉर के साथ टाइम आ गया ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है जी, सिंस फॉर के साथ टाइम आ गया, अ लॉन्ग टाइम भी देखो ड्यूरेशन है, हमें स्टार्टिंग टाइम तो नहीं पता लगा, पता ये पता लग गया कि एक लंबा ड्यूरेशन गुजर गया। जैसे यहाँ 10 ईयर से पता लग गया एक लंबा ड्यूरेशन गुजर गया, 10 साल गुजर गया, 10 साल ड्यूरेशन है, स्टार्टिंग भी पता लगी कब हुई, 10 साल हो गए फॉर लगाया। लेकिन बिफोर हिज डेथ का मतलब है कि अब ये काम जारी नहीं है, ये अब उनके मरने से पहले जारी था। तो द कायद हैड बीन सर्विंग, मैं इधर हैज बीन सर्विंग नहीं लगा सकता, had been serving लगा। Next sentence पे आते हैं। He dashed from malaria for a long time. Since for के साथ time आ गया, done है। Before his death, लगाएं क्या आएगा? Suffer है जी verb, suffer। ले जी, हमारे पास आना शुरू हो गए answers। Had been suffering, very good Aisha, and that Rubab, Javeria, really good students, Fahim. हमना, रियली गुड जी, रियली गुड। अच्छा, अब बच्चे ने पूछा है कि सर हैड सफर्ड आ सकता है, आइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर देते। वेरी गुड सुजान, रियली गुड जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है नो, यहां नहीं लगाना। रीजन, फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या हिंट दे रहा है, ये काम जारी था। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे तक वो मलेरिया में मुबतला रहा, इसका मतलब वो काम जारी रहा। तो पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही देना है क्योंकि काम एक लंबे अरसे तक उसकी मौत से पहले जारी रहा, उसके मरने से पहले एक लंबे अरसे तक जारी रहा। इसका मतलब उसके ये काम, हम ये नहीं कह रहे कि वो उसके मरने से पहले कंप्लीट हो चुका था, हम कॉन्टिन्यूटी देना चाह रहे हैं। और अगर कॉन्टिन्यूटी देना चाह रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट नहीं, उसके साथ फिर कॉन्टिन्यूस ऐड करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक हो गया। हाँ, एक मजे की चीज आपको बताता हूं, देखो आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो टीचर्स आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देते हैं। आपका सिंस फॉर के साथ टाइम आ जाए तो आप यूजली कहते हैं तीन टेंसेस आते हैं, ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स, He had been working here for 10 years. He will have been ना पढ़ेंगे future perfect continuous में। मैं बल्कि इसके बाद जाए future perfect continuous की तरफ रहा हूँ जी, देखी जाएगी। He will have been working here for 10 years. तर्जमा change होगा। वो 10 सालों से काम कर रहा है तो has been working, कर रहा था had been working, 10 सालों तक, future के 10 सालों तक करता रहेगा तो he will have been working। अब 10 years के साथ ये तो नहीं लिखा, ये past के, present के, future के, हमें तो पता है, हम जो मर्जी लगा दें। Yes, everything can be connected। मजे की चीज सुनिएगा, बहुत अहम चीज है, और ये अपने पास नोट किया करें लाजमी तौर पे। टीचर्स एक्स्ट्रा बातें आपको पता है लेक्चर में बताते हैं जो बुक से भी हटके होती है, नोट से हटके होती है। ये तो चलो आपके सामने नोट्स है, मैं भी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाऊं। एक चीज याद रखिएगा, आप चार टेंसेस यूज कर सकते हैं सिंस फॉर के बाद टाइम आए, पांचवे की गुंजाइश नहीं रखनी, वो फोर्थ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, वो फोर्थ टेंस है
प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और एक प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो सकता है। लो जी काम हो गया। ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years का मतलब 10 ही हैज बीन 10 सालों से काम कर रहा है। अगर मैं इधर हैज वर्क लगा दूं गलत नहीं है, ग्रामेरियंस उसको बिल्कुल ठीक करते हैं। ही हैज वर्क्ड हियर फॉर 10 years, तर्जमा क्या होगा, उसने 10 साल तक यहां काम किया है। अब फर्क क्या पड़ा, वो 10 सालों से, मैं 10 सालों से यहां काम कर रहा हूं, जब मैं कहूंगा तो मैं ये काम 10 साल पहले शुरू हुआ और आज भी जारी है, मैं उस बिल्डिंग के अंदर खड़ा हूं, मैं पंजाब कॉलेज के अंदर खड़ा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 10 years। मैं फर्ज करो छोड़ता हूं और कभी वॉक करते करते चलते चलते उस अदारे के आगे से गुजरता हूं, गाड़ी अपनी रोकता हूं और किसी गाड़ी में बैठे दोस्त को बताता हूं, आई हैव वर्कड हियर फॉर 12 years, मैंने 12 साल यहां काम किया है, देयर इज नो इशू, मैं बस ये बता रहा हूं कि मैंने यहां 12 साल काम किया, आई हैव वर्कड हियर फॉर 12 years, और अगर मैं अभी भी कर रहा हूं तो मैं उसके अंदर खड़ा होकर कह रहा हूं आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 12 years, और अगर मैं क्विट करता हूं तो That is also correct. तो आज से एक चीज याद रख लीजिएगा, if there is since for plus time, not 3 but 4 tenses can be used. Past perfect की गुंजाइश नहीं निकलती। ठीक हो गया जवेरिया बच्चे? चले ठीक हो गया जी। मैं आप लोगों को डायरेक्ट जो है वो जुमले की ट्रांसलेशन पर लेके आ रहा हूं जी, बोलिए क्या आएगा जल्दी से। इम्तिहान से दो पहले वो 2 माह पढ़ता रहा था, इम्तिहान से पहले वो 2 माह पढ़ता रहा था जी। ट्रांसलेटेड प्लीज। सहीम आपकी भी ठीक है, मैं जानबूझ के बोल नहीं रहा। सुजान रीडिंग नहीं लगाना, याद रखिएगा, रीड जो होती है ना वो कोई बुक होती है। जब आप एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, अपनी क्लास का पढ़ते हैं, उस पढ़ाई को स्टडी ही कहते हैं। नाउन के तौर पर स्टडीज कहते हैं, वर्ब के तौर पर स्टडी कहते हैं, पढ़ना, तो आप उसको रीड नहीं कहते, यू रीड अ बुक। ठीक है जी, तो स्टडी ही देना है। नहीं जी, स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे आ रहे हैं आंसर्स। He had been studying for 2 months before his exam. He had been studying for 2 months. देखें, अब कई students को ना translation मुश्किल आएगी, ये art भी सिखाता हूँ आपको। चलो, आपने हमेशा जब translation करनी है sentence जितना मर्जी लंबा हो घबराना नहीं है। मैं अपने PM वाले words use कर रहा हूँ जी, हमारे Prime Minister वाले, के सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है जी। और then आपने जुमले का subject पकड़ना है जिस, तो वो है वो, सब्जेक्ट पकड़ लिया जी, और देन पकड़ना है वर्ब। आपको देखो ट्रांसलेट करते हुए सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, आपने सब्जेक्ट वर्ब लगा दिया, आपका सब काम आसान है। और वर्ब है पढ़ता रहा, ये पढ़ता रहा, बस ये ट्रांसलेट कर दें, बाकी हर शय हो जाएगी। ही और आगे आपने हैड बीन स्टडिंग, आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज करना है तो हैड बीन थर्ड फॉर्म, हैड बीन आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो ही हैड बीन स्टडिंग For 2 months before his exams. ठीक है जी, he had been studying. पहले लगा ले, he had been studying. जितना मर्जी लेंथी सेंटेंस हो, आपने परेशान हुए बगैर सब्जेक्ट वर्ब निकाल के ट्रांसलेट कर देना, बाकी हर शे आपको यकीन रखें उसके बाद ही आनी है। डन है, बाकी हर शे नहीं, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ट्रांसलेट करके एक बार साइड पे रख दे, हर शे फिट हो जाएगी। ये आपको सबसे आसान तरीका होगा।